हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर नंबर 8, सन मून एंड सोलर एक्लिप्स, सूर्य चंद्रमा और ग्रहण। सो व्हाट इज बेसिकली ग्रहण, क्या होता है बेसिकली, इक्लिप्स क्या होता है, तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये जानेंगे कि जो हमारा सन है वो किस तरह से बना है, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेज वगैरह है और मतलब उसका मास वगैरह कितना है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ में मून के भी इसी के बारे में हम करेंगे कि मून रियलिटी में हमारी एक सैटेलाइट है इस तरह से, देन वो किससे अपनी रोशनी लेता है और द स्टार से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आज के चैप्टर में हम मेनली ये करेंगे। आपने पुरानी ग्रेड में मोस्टली पढ़ा होगा कि सोलर सिस्टम है, उसके अंदर हमारे सन है और 8 प्लैनेट्स हैं और उनके मून्स हैं और उनकी सैटेलाइट्स हैं। मून्स बेसिकली सैटेलाइट्स ही होते हैं। सो आई कैन से सैटेलाइट्स है और 8 प्लैनेट्स है और सन है, राइट? ओके, द सन से हम स्टार्ट करते हैं। सन एक बड़ी सारी बॉल है, काफ़ी ज़्यादा गर्म, काफ़ी ज़्यादा जलती हुई गैसेज है उसके अंदर, बर्निंग गैसेज। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस से बना है। अबाउट 70% इन द सन हाइड्रोजन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इनटू हीलियम गैस। ओके, जो हाइड्रोजन है वो सन में कंटिन्यूसली चेंज हो रही है हीलियम गैस में, ठीक है। द प्रोसेस रिजल्ट्स इन द एस्लिमेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो प्रोसेस है ये रिजल्ट कर रही है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जब हमारी हाइड्रोजन गैस हीलियम प्लस लाइट और हीट हो जाती है, सन इज रिस्पॉन्स, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है उससे, जब हमारी हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होती है, ठीक है। जो हमारा सन है मोस्टली 70% तो हाइड्रोजन से ही बना है। अब हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम हो रही है, ठीक है, गैस। सो डैट्स वाई हमारी जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है सूरज की। द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ द अर्थ। द एनर्जी डैट वी गेट फ्रॉम द सन इज़ नॉन एज सोलर एनर्जी। तो सन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है हमारे क्लाइमेट और वेदर के लिए, जो अर्थ के अंदर जो क्लाइमेट है, जो कंडीशंस है बाहर हवा वगैरह की, जो गर्मी सर्दी, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल इन सब के लिए, सीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ठीक है, कौन है? वो तो रोटेशन और रेवोल्यूशन होगी, और सन भी तो है ना। अगर सन से हमें गर्मी मिलती तभी तो समर्स आ रही है, नहीं तो विंटर्स ही चलती रहती, राइट ना? सो ये हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सन टू, मतलब हमारे अर्थ के क्लाइमेट और टेम्परेचर वगैरह के लिए सन ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब नो योर साइंटिस्ट देखते हैं। यहाँ पे निकोलस कॉपरनिकस नाम का एक साइंटिस्ट है, ही वॉज अ मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमर, यानी वो मतलब स्पेस के बारे में रिसर्चेस करता था और साथ में मैथमेटिक के बारे में। हु फॉर्म्यूलेटेड द मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम इन विच द सन रेदर देन द अर्थ इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सो ये जो था ना, एक्चुअली पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग सोचते थे कि जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का मिडिल पार्ट है और जो सन और जो मून है वो उसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली पहले लोग ये सोचते थे। तो इस साइंटिस्ट ने एक मॉडल बनाया था सोलर सिस्टम का, जिससे उसने दिखाया था कि अर्थ बीच में है और सूरज और बाकी ग्रह और चांद उसके चक्कर निकाल रहे हैं। ओके, फैक्ट्स अबाउट द सन, फैक्ट्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, राइट? आपने मेरा पढ़ा ही होगा, मतलब आप देखते ही होंगे मेरे फैक्ट ऑफ द डे, मैं रोज़ का एक फैक्ट रिलीज करती हूँ। ओके, फैक्ट ऑफ द डे के बारे में, मतलब आप अगर उसको देखते रहोगे ना तो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे और आपको इन छोटे मोटे फैक्ट्स के बारे में ऑब्वियसली पता ही होगा, ठीक है। लेकिन ये वाले मैंने फैक्ट्स नहीं डाले क्योंकि मैं चाहती थी कि आप ये चैप्टर पढ़ो और आपको तब इसके बारे में अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो मैंने ये फैक्ट्स आपके फैक्ट ऑफ द डे में नहीं डाले। सो अब फैक्ट ऑफ सन के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। जो सन है वो 9.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। बिलियन का मतलब समझते हो, यानी कि 100 मिलियन, यानी यहाँ के हिसाब से लगाओ तो कुछ 10 या 100 करोड़ साल हो गए, ऑब्वियसली 100 करोड़ साल लगभग एस्टिमेटेड है ये, 100 करोड़ या 10 करोड़ साल पुराना। 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट, यानी कि 400
460 मिलियन, ठीक है, ईयर एगो है हमारा सूरज। मिलियंस में बताया, मिलियंस में बेसिकली 5 ज़ीरोज़ लगती हैं पीछे, सॉरी 6 लगती हैं पीछे, तो मिलियन में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो मैंने आपको इसको मिलियन में समझा दिया, यानी कि करीब 460 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। इट इज़ नियरली स्फेरिकल शेप्ड एंड हैज़ अ मास ऑफ अबाउट 13। अमेजिंग, क्या फैक्ट है ये, 13,13,92,000 किलोमीटर्स का इसका डायामीटर है, मतलब कि अपनी अर्थ से पता ही नहीं कितना हो गया ज़्यादा। सिर्फ डायामीटर है, अभी तो हमने कर्व, मतलब वो नहीं देखा इसका कर्व सरफेस, डायामीटर ही है सिर्फ। कि ये बेसिकली स्फेयर शेप का होता है, स्फेयर यानी कि एक बॉल टाइप का, ठीक है। इट इज़ अप, ओके नेक्स्ट फैक्ट है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। 150 मिलियन किलोमीटर, समझते हो ना, यानी कि बीच में पता ही नहीं कितनी अर्थ आ जाएंगी, मतलब बस बहुत ज़्यादा दूर है। फिर भी देखो वो सूरज इतना बड़ा है कि हमें उसकी रोशनी यहाँ तक दिखाई देती है, वो भी हम उसको देख नहीं पाते, उसको मतलब देखने के लिए गॉगल्स वगैरह की ज़रूरत होती है, हालांकि वो कितना दूर है। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सर्च रीड अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का मतलब समझते हो ना, कि अगर वहाँ पे अर्थ होती तो पूरी की पूरी अर्थ ही पिघल जाती। 15 मानो लगाओ कि सारा सोलर सिस्टम को अगर सन के बीच में डाल दिया जाए, सेंटर में, तो वो सब कुछ पिघल जाएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है इसके अंदर, राइट। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ अबाउट 6,000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वहाँ पे तो लोहा भी पिघल जाएगा, इतना ज़्यादा गर्म, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, ये मोस्टली 70% हाइड्रोजन से बना है और 28% हेलियम है, और जो 2% है वो अदर गैसेज है। अदर गैसेज में हम इनके अंदर नाम नहीं दिए हुए, लेकिन आगे वाली क्लासेस में आपको इनके नाम भी आएंगे। मून के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द मून इज़ अ हेवनली बॉडी दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। वो एक ऐसी तरह की बॉडी है जो ऑर्बिट करती है अर्थ के अराउंड, देयर फॉर इट इज़ नोन एज अ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ। इसको हम नेचुरल सेटेलाइट भी कहते हैं अर्थ के। सेटेलाइट बेसिकली क्या होता है, जो मतलब जो प्लैनेट के आस चक्कर लगाता है, ठीक है, गोल गोल ऑर्बिट करके, ठीक है। सो वो होता है बेसिकली सेटेलाइट। सेटेलाइट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो अब जो जुपिटर है, कोई भी प्लैनेट लगा लो, मैंने जुपिटर ले लिया, अगर उसके ऊपर हमने कोई भी मतलब चीज़ उसके सामने ऐसे घुमाई, कोई भी चीज़ ले लो, तो वो क्या हो, उसकी सैटेलाइट हो गई, ठीक है। ओके, ए सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। द मून ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 84,400 किलोमीटर। इट इज़ क्लोज, मतलब ये है इतना दूर, ठीक है, फिर भी क्लोजेस्ट नेबर है अर्थ का। इमेजिन, इट अपीयर एज अ डार्क ग्रे कलर्ड बॉल ऑफ रॉक, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट द मून वॉज फॉर्म्ड विद प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट क्रैश्ड इनटू ऑन टू अर्थ, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जो बेसिकली जो हमारा मून है, वो माना जाता है कि वो एक मतलब लाइक कि अगर कोई प्लैनेट था, वो मतलब अर्थ से टकराया कोई ऑब्जेक्ट बड़ा सारा, तो उसके कारण मून बन गया, ठीक है। ये बेसिकली कहा जाता है पुराने ज़माने से। द साइज़ ऑफ द मून इज़ मच स्मॉलर देन द दैट ऑफ सन, ठीक है। जो सन है उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है हमारा मून। हाउ एवर इट अपीयर एट द सेम साइज ऑफ द सन बिकॉज इट इज़ मच क्लोजेस्ट टू अर्थ देन द सन। इन फैक्ट द साइज ऑफ मून इज़ अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ अर्थ। जस्ट लाइक द अर्थ, मून इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, कोर, क्रस्ट एंड मैटन।
इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है इसका पॉइंट. इसमें क्या है, जो बताया गया है कि मून ना काफ़ी ज़्यादा छोटा है सन से, लेकिन फिर भी वो आसमान में दोनों का जो साइज़ है एकदम बराबर दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि जो मून है वो ज़्यादा पास है. ये है कि देखो, जो हमारा सन है वो करीब 4000 किलोमीटर्स बड़ा है मून से, ठीक है, और जो मून है वो 4000 किलोमीटर पास है सन से. तो ऑब्वियसली दोनों का जो साइज़ है वो सेम दिखेगा ना, ठीक है. अब ये कहा जाता है कि मून है एक क्वार्टर है. क्वार्टर का मतलब समझते हो, अगर हमने अर्थ को चार हिस्सों में बांट दिया तो एक हिस्सा मून के बराबर होगा, ठीक है. और जो जैसा अर्थ है वैसे ही मून भी तीन लेयर से बना है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ये आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा होगा. सबसे पहले आता है क्रस्ट, देन मेंटल, फिर कोर सबसे डीप होती है. इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट. जो मून है उसके पास उस खुद की लाइट नहीं है, फिर भी वो चमकता है. क्यों? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द अर्थ. ये रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को जो फॉल होती है अर्थ में. हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था इसके बारे में कि कैसे रिफ्लेक्शन वगैरह होती है, ठीक है. आपको अगली क्लासेस में समझ में आएगा, ठीक है. एक बार तो ये आप इतना पढ़ लीजिए. ओके, जो ये शाइन्स इसलिए करता है कि जो सन की जो धूप पड़ती है इस पर, देखो वो बेसिकली वाइट और ग्रे टाइप का कलर का है मून. जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो ऑब्वियसली वो चमकेगा, है ना. चमकते हम भी तो चमकते हैं, हम बेसिकली ग्रे कलर के हैं. अंधेरा हो जाए तो कुछ दिखाई ना दे, लाइट की रोशनी हम पे पड़ती है तभी तो हम दिखते हैं, नहीं तो हम कैसे दिखेंगे, राइट. नहीं, आपको लाइट चैप्टर में आएगा, ठीक है. तो अभी इस क्लास में तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, आप एक बार ऊपर ऊपर का समझ लीजिए, ठीक है. ये आपको 8th, 9th और लाइट चैप्टर में आएगा, 7th में भी आएगा ये थोड़ा बहुत, लेकिन बेसिकली 8th में आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी. ओके, इट इज़ द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर सन. ये दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा चमकदार चीज़ है आफ्टर सन, सन के बाद. सरफेस ऑफ मून के बारे में देखते हैं. जो सरफेस है मून वो रॉक, डस्ट और माउंटेन्स, वॉल्केनोस और इम्पैक्ट क्रेटर्स से बनी है, ठीक है. द क्रेटर्स हैव बीन क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ कोलाइडिंग मीटियोरॉइड्स, ठीक है. अब सन के ऊपर इतने ज़्यादा छेद, मतलब मून के ऊपर इतने ज़्यादा छेद किए बिकॉज जो मीटियोराइड्स उसके ऊपर गिरते हैं उसके कारण उसके ऊपर छेद हो गए हैं, बस यही बताया है इसमें. अब कंडीशन ऑफ मून पढ़ते, देर इज़ नो एयर, ठीक है. देखो कोई भी एयर नहीं है वहाँ पे, कोई भी मतलब हवा नहीं है, कोई भी गैस प्रेजेंट, मतलब बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में गैस प्रेजेंट है, ठीक है. अगर कोई एयर नहीं होगी तो कोई एटमोसफेयर भी नहीं है. द एब्सेंस ऑफ एटमोसफेयर, द सन ऑफ द मून बिकम्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द डेज एंड अराउंड. ओके, जब कोई एटमोसफेयर ही नहीं होगा तो जो हमारा मून है वो दिन में तो 100 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म हो जाता है, लेकिन जब रात होती है -73 तक चला जाता है, यानी आप तो जाते सार बर्फ बन जाओगे. द एब्सेंस ऑफ एटमोसफेयर ऑल्सो मीन्स डैट देयर इज नो प्रोटेक्शन फ्रॉम अप्रोचिंग मीटियोरॉइड्स, ठीक है. अब एटमोसफेयर ही नहीं है तो मीटियोरॉइड्स को कौन बचाएगा उसके ऊपर गिरने से, मीटियोरॉइड्स तो गिरते रहते हैं. दिस इज़ द रीज़न वाई देयर इज मैनी क्रिएटर्स ऑन द मून. ये रीज़न है कि मून के ऊपर इतने धब्बे हैं. तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगला हम चैप्टर करेंगे बाकी का बचा हुआ लेक्चर नंबर 2 पे. सो बाय फॉर नाउ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और जो ये फैक्ट मैंने बताया ना, ये इस तरह के और भी मतलब अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको मेरे फैक्ट ऑफ द डे में मिलेंगे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. बाय फॉर नाउ, बाय.